आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जितनी भी अपीलें आज से पहले आपने फाइल करी है, अब वो सारी रिजेक्ट हो जाएंगी इस ऑर्डर के आने के बाद। सर, ऐसा क्या है इस ऑर्डर में? तो मैं आपको बता दूं, अभी हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया ज्योति कंस्ट्रक्शन के केस में, और इसमें ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट ने दिया है, ऐसा डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया है जिसके आने के बाद हमारी सारी अपीलें रिजेक्ट हो सकती है। सर, ऐसा क्या कहा है? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे इसमें क्या गलत है क्या सही है। अगर आपको ये पता हो, जब भी हम कोई अपील फाइल करते हैं तो अपील के अंदर तीन चीज़ें होती है, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। कि भाई अगर आपका टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी में डिस्प्यूट है तो आप अपील फाइल करते हैं। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है तो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी में से कुछ भी जमा नहीं करना, लेकिन टैक्स का 10% आपको प्री डिपॉजिट करना है। अगर आप कोई अमाउंट एडमिट कर लेते हैं वो तो 100% जमा करना है, लेकिन अगर आपका डिस्प्यूटेड है तो इंटरेस्ट पेनल्टी से कुछ भी जमा नहीं करना। अब ये टैक्स का जो है 10% प्री डिपॉजिट करना है। अभी तक मैंने जितनी भी अपील फाइल करी है उसमें जब भी हम ये प्री डिपॉजिट जमा करने जाते हैं तो वहाँ पर पोर्टल हमें ऑप्शन देता है कि भाई ये 10% प्री डिपॉजिट आप या तो कैश लेजर से जमा कर दो या आप क्रेडिट लेजर से जमा कर दो। तो जर्नली व्यक्ति क्या करता है? जर्नली व्यक्ति क्रेडिट लेजर से जमा करता है और उसकी अपील वहाँ पर एडमिट हो जाती है। लेकिन इस ज्योति कंस्ट्रक्शन के केस में क्या हुआ, इसने भी अपनी अपील को क्रेडिट लेजर से जमा करा और इसकी अपील रिजेक्ट कर दी गई। इसकी अपील रिजेक्ट कर दी गई अपलेट अथॉरिटी ने। जब इसकी अपील रिजेक्ट हो गई तो इसने हाई कोर्ट के अंदर रिट डाली और हाई कोर्ट ने भी कहा कि डिपार्टमेंट ने बिल्कुल सही करा है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अगर लॉ में ये लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको अपील फाइल करनी है और वो पैसा कैश लेजर से ही जमा होना है, तो आपने क्रेडिट लेजर का ऑप्शन दिया क्यों? पोर्टल ने हमारे को अपील फाइल करते समय क्रेडिट लेजर से पेमेंट करी क्यों? अगर आपका पोर्टल लॉ के अनुसार नहीं है तो इसमें क्या असेसी की गलती है? मेरे हिसाब से असेसी की तो कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर यह बात सोचने वाली है कि जितनी अपीलें आज से पहले आपने फाइल करी होगी, इस ऑर्डर के आने से पहले फाइल हुई होंगी, उसमें मैक्सिमम अपीलें क्रेडिट लेजर से आपने पे की है, तो क्या वो सारी की सारी अपीलें रिजेक्ट हो जाएंगी? अगर वो सारी की सारी अपीलें रिजेक्ट हो जाएंगी तो ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इन सारी अपीलों में पोर्टल ने अलाउ करा था क्रेडिट लेजर से पैसा जमा करने को। या तो पोर्टल को ऐसा अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। अगर आपको ये चीज़ लानी है तो आप यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकालें या आप यहाँ पर एक सर्कुलर निकालें कि भाई जो भी अपील फाइल होगी आप उसमें कैश लेजर से पैसा जमा करो। मैं मानता हूँ कि चलो लॉ के अकॉर्डिंग कैश लेजर से ही पैसा जमा होना है, तो भाई पोर्टल भी तो कुछ बता रहा है। और जो मैंने अपनी पहली अपीलें फाइल कर दी हैं जिसमें मेरा क्रेडिट लेजर से पैसा जमा हो गया, उस पर इस जजमेंट का कोई इम्पैक्ट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को यहाँ पर एक सर्कुलर निकालना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ क्या ये सर्कुलर गवर्नमेंट को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, आपको ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा कि चलो सर, अगर अपील हमारे को कोई ये कहता है कि चलो आपको कैश लेजर से पे करना है, लेकिन हमने क्रेडिट लेजर से पे कर दिया अमाउंट, अब उस अमाउंट का क्या होगा? भाई मैंने तो अपील जो फाइल करी उसमें मैंने क्रेडिट लेजर से पैसा जमा कर दिया। अब आप कह रहे हो कि कैश लेजर से पैसा जमा करो तभी हम तुम्हारी अपील एडमिट करेंगे, तो जो मैंने क्रेडिट लेजर से पैसा दिया है क्या आप मुझे वो रिफंड करोगे? और रिफंड करोगे तो कैसे करोगे, क्योंकि डिपार्टमेंट से रिफंड लेना इतना आसान नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर उठकर आता है। एक तीसरी बात यहाँ पर उठकर ये आती है कि भाई जब आप हाई कोर्ट ये कह रहे हैं कि भाई आपको अपील जो फाइल करनी है वो कैश लेजर से फाइल करनी है, तो क्या मेरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज नहीं हो जाएगी? वर्किंग कैपिटल कैसे ब्लॉकेज हो जाएगी, आप इस बात को समझना कि लेट सपोज मेरे को डिपार्टमेंट ने एक DRC 07 इशू कर दिया। DRC 07 मतलब कि डिमांड ऑर्डर इशू कर दिया, और उसमें एक अननेसेसरी की डिमांड बना दी जिसमें 1 करोड़ टैक्स लगा दिया। अब आप ये बताओ, पहले तो मेरे पास ये हरासमेंट हुआ करता था कि भाई 1 करोड़ का टैक्स लगा दिया, अगर मुझे अपील में जाना है तो 10% मुझे जमा करना पड़ेगा, मतलब मेरा 10 लाख रुपये ब्लॉक हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझना, मेरा ये 10 लाख रुपए पहले क्रेडिट लेजर का ब्लॉक हो जाता था, लेकिन अब ये 10 लाख रुपए
जब तक मेरे पास कैश में नहीं होंगे तब तक मैं अपील ही नहीं फाइल कर पाऊंगा। तो ये तो यहाँ पर जस्टिस लेना बहुत महंगा हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना क्या इससे जस्टिस लेना महंगा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो महंगा हो जाएगा। तो जो ये हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, देखो जितने भी हाई कोर्ट जजमेंट देते हैं हम उनका सबका सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को एक सर्कुलर निकालना चाहिए जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट आप हमें दे, या ये जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है ये सुप्रीम कोर्ट में भी क्या पता आगे जाए और वहां पर डिसीजन आए। लेकिन आप लोगों को ये बात मैं आपको बता दूं कि भैया अब जो भी अपील आप फाइल करें उसमें क्रेडिट लेजर से ना जमा करें। कैसे जमा करें? कैश लेजर से, क्योंकि हो सकता है ये वाली जो जजमेंट है ये पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है, सब लोग देख रहे हो, सब लोग पढ़ रहे हो, तो बाकी जो जीएसटी के ऑफिसर हैं वो भी अपील्स को आपकी रिजेक्ट कर दे। किस ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दे? क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि भाई जो आप क्रेडिट लेजर यूज़ करोगे वो सिर्फ सेल्फ असेसमेंट की लाइबिलिटी पे करने के लिए करोगे, तो उस बेसिस पर शायद आपकी अपील रिजेक्ट हो जाए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी अपील रिजेक्ट ना हो तो इस हाईकोर्ट के मद्देनज़र आपको करना क्या है कि सारी पेमेंट आपको अपील फाइल करते समय कैश लेजर से करनी है। हालांकि ये जो पूरा केस है इसके हमने फैक्ट ऑफ द केस या जो कंटेंशन क्या थी पिटिशनर की या गवर्नमेंट का क्या मत था, जजमेंट क्या दी या इससे इम्पैक्ट क्या होगा या जो भी सवाल है ये हम अपनी आने वाली मैगजीन में देंगे। अगर आप लोगों को पता होगा तो अक्टूबर की मैगजीन आप सब लोगों को मिल गई होगी। सर अक्टूबर की मैगजीन में आपने क्या कंटेंट दिया है? तो अक्टूबर की मैगजीन हमारी बहुत सॉलिड मैगजीन है, क्योंकि इसमें जितनी भी नोटिफिकेशन जितने भी सर्कुलर हमारे आए थे सितंबर महीने में वो सारे के सारे हमने अक्टूबर में कवर कर दिए हैं। अगर किसी ने अभी तक अक्टूबर की मैगजीन नहीं ली है तो वो अक्टूबर की मैगजीन ले सकता है। कैसे ले सकता है? इन नंबर पर व्हाट्सअप करके वो अक्टूबर की मैगजीन ले सकता है। चलिए जी, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और इस संडे जो हमारा 17 तारीख का संडे आ रहा है, इस संडे हम अपील और एडवांस रूलिंग की क्लास लेंगे। अगर किसी को एडमिशन लेना है उस क्लास में तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके एडमिशन भी ले सकता है। और आपने हमारा केजे क्लासेस का ऐप तो डाउनलोड कर ही रखा होगा, उस पर हमारा अपील का पूरा डिटेल सेशन है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आप हमारी पेन ड्राइव लेकर अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। आप हमारी मेंबरशिप लेकर अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और मैगजीन तो आप जरूर सब्सक्राइब करा लें, क्योंकि नवंबर महीने की मैगजीन भी बहुत अच्छी होने वाली है और अक्टूबर वाली भी बहुत अच्छी है जिसमें सारे सर्कुलर हमने दिए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।